नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर यूपी के आजमगढ़ से। आजमगढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दो लोगों को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 12 देसी तमंचे, 7 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आजमगढ़ के सिधारी थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने सिधारी थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। खास बात यह है कि इस पुलिस कार्रवाई में एक बार फिर बमहौर का नाम सामने आया है। मेड इन बमहौर के तमंचे से ही कई घटनाएं देश में हो चुकी हैं। इसके बाद आजमगढ़ की पुलिस ने बमहौर क्षेत्र में जगह जगह फैक्ट्रियों को नस्तानुबूत किया। आपको बता दें, पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए लोगों में जयप्रकाश और राजेश शामिल हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। ग्राम हथिया, थाना सिधारी, यहाँ पर नदी के किनारे जहाँ पे खरपतवार थी और जहाँ जंगल था, इसके यहाँ पर शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें दो व्यक्ति जयप्रकाश और राजेश नाम से पकड़े गए और इनके पास से निर्मित एक दर्जन शस्त्र पकड़े गए और 14 अर्ध निर्मित शस्त्र इनके द्वारा इनसे पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे थे। जयप्रकाश है, इसके 5 मुकदमे पहले से हैं और राजेश के 4 मुकदमे पहले से हैं। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को इस अच्छे कार्य के लिए इनाम के लिए संस्तुति करी गई है इनकी, और क्योंकि इनके पहले मुकदमे इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा।